नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे का स्वेटर लेकर आई हूँ। इस स्वेटर में केवल 107 ग्राम ऊन लगी है। इसको मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। इस स्वेटर को मैंने टॉप से शुरू करके बॉटम की ओर लेकर आई हूँ। स्वेटर मैंने 61 फंदों से शुरू किया है। 61 फंदे बनाकर पहले गले की मैंने 8 सिलाई डाली, फिर फंदों को मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने 16 जाली डाली। 16 जाले डालने के बाद फिर मैंने दोनों ओर की बाजू बनाई है। याद रखिए, जब भी आप टॉप से बॉटम की ओर स्वेटर बनाएं तो हमेशा जाली डालने के बाद और घेरा बनाने से पहले हमेशा आप पहले बाजू बना लीजिए। ये आपकी पसंद है, आप लेफ्ट साइड की बाजू पहले बनाएंगे या राइट साइड की बाजू आप पहले बनाना पसंद करेंगे। इस स्वेटर में जो मैंने डिज़ाइन डाला है वो 10 फंदों का डिज़ाइन है और 20 सिलाई का डिज़ाइन है, लेकिन जिसमें डिज़ाइन 4-4 बार रिपीट होता है और 2 बार एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, फिर 8 सिलाई डिज़ाइन की, फिर एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी और 8 सिलाई डिज़ाइन की हैं। इस शुरू से लेकर आखिर तक स्वेटर में मैंने केवल सीधे फंदे और उल्टे फंदों का प्रयोग किया है। जिन लोगों को केवल सीधा और केवल उल्टा बनाना आता हो वो लोग भी इस स्वेटर को बना सकते हैं। स्वेटर की लंबाई चौड़ाई मैं आपके सामने एक बार इंची टेप से नाप देती हूँ। अगर हम बच्चे की ये चीज़ नापते हैं यहाँ से, तो ये 8.5 इंच है। 8.5 और 8.5 17 इंच हो जाती है। यहाँ से अगर हम नापते हैं यहाँ से, तो चोली की लंबाई पूरे 4 इंच है और घेरे की लंबाई 6.5 इंच है। अगर यहाँ से ऊपर से नापते हैं, गले से नापते हैं, तो पूरे स्वेटर की लंबाई 11 इंच है। बाजू की लंबाई जो है ऊपर से लेकर कंधे से लेकर बाजू तक पूरी लंबाई 10 इंच की है, जिसमें से 4 इंच की लंबाई जाली तक है और 6 इंच बाजू हमने आगे बनाई है। तो आइए अब हम स्वेटर को बनाना शुरू करेंगे। स्वेटर बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हर 12 सरी यानी 24 सिलाई के बाद एक एक बटन होल भी बनाते जाना है। इस तरह से बटन बनाते हुए पूरे 6 बटन बनते हैं। तो आइए अब हम स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। 61 फंदे हमने अपनी सिलाई पर डाल लिए हैं। अब हम सबसे पहले गले की 8 सिलाई बनाएंगे। बनानी हमको बिल्कुल सीधी सीधी है, लेकिन शुरू कैसे करेंगे और आखिर का फंदा कैसे बनाएंगे ये देखिए। पहले फंदे को हम हमेशा उल्टा उतार लेंगे, बिना बुने उतारा है। आखिरी फंदा हम इसके ऊपर सीधा धागा लपेटते हुए सीधा बना लेंगे। सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई सीधी सीधी बना लूं। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई।
ये पहला फंदा है इसलिए हम ऐसे इसको बना रहे हैं। आठ सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है, हर बार फंदा हमको ऐसे उल्टा पर्ल वाइज उतारना है और आगे वाला फंदा सिलाई के ऊपर धागा लपेटते हुए सीधा बनाना है। जब हम फंदे गिनेंगे तो ये दो फंदे जो दिखने में दो हैं ये एक फंदा है। इसी तरह से हमको सीधा सीधा बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इस पर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर का फंदा हमको कैसे बनाना है। दूसरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारा एक फंदा है, एक हमने धागा लपेटा था, इन दोनों धागों को, एक फंदे और एक धागे को हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरीके से बनने पर जो किनारा बनकर आएगा वो बहुत सुंदर किनारा बनकर आता है। स्वेटर के लुक अपने आप डबल हो जाएगी। अब हम रो नंबर 3 बनाएंगे। रो नंबर 3 भी हम वैसे ही शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, पर्ल वाइज उतारेंगे। आगे वाला फंदा सिलाई पर धागा लपेटते हुए सीधा बनाएंगे। इसको हमको टाइट नहीं रखना, ना लूज रखना है ना टाइट रखना है, और सारी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले मैं ये सिलाई बना लूँ फिर हम उधर देखते हैं। तीसरी सिलाई भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस ओर भी ये लपेटा हुआ धागा और ये फंदा, दोनों को हम इकट्ठा सीधा बनाएंगे। अब हम गले की चौथी सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा हम पर्ल वाइज उतार लेंगे और आगे वाला फंदा हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे सिलाई के ऊपर धागा लपेटते हुए। और सारी की सारी सिलाई हम इसी तरह से सीधी बनाएंगे। तो पहले हम मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये चौथी सिलाई यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। इस ओर भी हम ये धागा और ये सीधा फंदा एक सीधा बनाएंगे। पट्टी के हमारे फंदे 5 हैं जिसमें एक फंदे का किनारा है और बाकी के 4 फंदे भी पट्टी में आएंगे। क्योंकि हमको 8 सिलाई बनानी है तो 4 सिलाई बनाने के बाद हम यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। तो अब हम चौथी 5वीं सिलाई पर एक बटन होल बनाएंगे। पहले किनारे का एक फंदा पर्ल वाइज हमने उतार लिया और आगे वाला फंदा सीधा, ये 2 फंदे हो गए और ये 3 2 फंदे बनाने के बाद भी आप बना सकते हो, 3 फंदे बनाने के बाद भी बटन होल 2 के बाद ही बनाते हैं। धागा अपनी ओर किया, 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे। एक फंदा और, ये हमारे पट्टी के फंदे हो गए। 2 फंदे जाली के इस ओर हैं, 2 फंदे जाली के इस ओर हैं। बटन होल बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हम सारी की सारी सिलाई बिल्कुल सीधी बनाएंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई वापसी भी लेकर आएंगे। तो पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे।
ये हमारे डिज़ाइन की छठी सिलाई आखिरी पड़ाव पर है। इसमें हम बटन होल जो हमने बनाया था इसको भी हम सीधा फंदा बनाएंगे। और दो फंदों का एक धागा और एक फंदे का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। और इसके ऊपर दो स्लाइस सीधी हम और बनाएंगे। तो पहले मैं वो बना लेती हूँ। गले की 8 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें 4 सरी बन गई हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम इसको फंदों को हम डिवाइड करेंगे। चोली का हिस्सा बनाने के लिए हमको फंदों को डिवाइड करना पड़ता है। टोटल फंदे हमने लगाए थे 61। ये 61 स्टिचेस हैं। 5 स्टिचेस दोनों ओर के पट्टी के रहेंगे, फिर दोनों ओर के 7-7 स्टिचेस फ्रंट के। फ्रंट के साथ स्लीव्स आएंगी, बाजू का हिस्सा आएगा, जिसमें हम 8-8 फंदे रखेंगे। 17 फंदे पैक के होंगे और एक एक फंदा हमने नेट के लिए छोड़ा है। इस एक फंदे के दोनों ओर हम फंदा बढ़ाएंगे। हम पट्टी से शुरू करते हुए चलेंगे, 5 फंदे पट्टी के, 7 फंदे फ्रंट के, फिर एक फंदे पर जाली डालेंगे, 8 फंदे स्लीव्स के, फिर एक फंदे पर जाली डालेंगे, 17 फंदे बैक के बनाएंगे, एक फंदे पर जाली डालेंगे, 8 फंदे स्लीव्स के बनाएंगे, फिर एक फंदे पर हम जाली डालेंगे, फिर 7 फंदे हम फ्रंट के बनाएंगे और एंड में 5 फंदे हमारे पट्टी के बन जाएंगे। ये देखिए, पट्टी के 5 फंदे, 2 पर पट्टी है, 10 हो गए। फ्रंट के 7 फंदे, 2 पर फ्रंट का हिस्सा है इसलिए 14 फंदे हो गए। स्लीव्स हमारी 2 हैं, एक स्लीव का 8 फंदे, तो हमारे पास 16 फंदे हो गए। बैक का हिस्सा 1 है, 17 फंदे। नेट जो हमको डालनी है एक फंदे पर 4 बार डालनी है, तो इसलिए हमारे पास 4 फंदे हो गए। टोटल अगर हम करते हैं तो 61 फंदे आते हैं। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 फंदे पट्टी के, पट्टी वैसे ही शुरू करेंगे। ये एक फंदा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये हमारे पट्टी के 5 फंदे हो गए। इसके ऊपर हमको फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट के हमारे 7 फंदे हैं। बनाना हमको पहली सिलाई, डिवीज़न की पहली सिलाई सीधी बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पट्टी के फंदे थे। 7 फंदे हमने आगे के रखे हैं। अब हम जाली डालेंगे, धागा अपनी ओर करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी ओर करके 8 फंदे हमको बाजू के सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए, ये जाली का फंदा है। 8 फंदे हमारे बाजू के हैं, 2, 4, 6, 8। फिर से अब हम धागा अपनी ओर करके जाली डालेंगे और अब हम बैक बनाएंगे। पहले धागा अपनी ओर करेंगे, धागा अपनी ओर करके यहाँ से हम बैक के 17 फंदे गिनकर बनाएंगे। 1, 2, 3,
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। ये देखिए, जाली के फंदे छोड़कर गिनेंगे 17 फंदे होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का डबल 16 और 1 17। बैक बनाने के बाद हमको फिर से बाजू बनानी है। पहले जाली डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे सीधा, फिर से धागा अपनी ओर करके 8 फंदे सीधे बनाएंगे। एक जाली डालते हुए पहला फंदा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जाली के फंदे छोड़कर गिनेंगे 2, 4, 6, 8। बाजू के साथ हमको फ्रंट का दूसरा हिस्सा बनाना है। पहले एक फंदा जाली डालते हुए धागा अपनी ओर करके यहाँ पर 7 फंदे पहले हमको फ्रंट के बनाने हैं। जाली डालते हुए बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए, जाली यहाँ तक है, इसको छोड़ देंगे। 7 फंदे हमारे आगे के होने चाहिए, 2, 4, 6 और 1, 7। 5 फंदे हमारे पट्टी के हैं। 7 फंदे हमने आगे के भी बना लिए। अब हमारे पास पट्टी के यहाँ पर 5 फंदे हैं, ये एक फंदा है। 1, 2, 3, 4, 5। इनको हमको दोनों ओर से हर बार सीधा सीधा ही बनाना है। शुरू हम हमेशा की तरह पर्ल वाइज उतार लेंगे और आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। 5 फंदे बनाने हैं, ये पहला फंदा है, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे बनाने के बाद हमको सारी सिलाई उल्टी बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे आगे के थे और ये जो हमने जाली का फंदा डाला था इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। इस फंदे को भी उल्टा ही बनाना है, सारी सिलाई हमको उल्टी बनानी है। ये हमारे बाजू के फंदे हैं। यहाँ पर भी जो हमने फंदे बढ़ाए थे उनको हम उल्टा उतार लेंगे, बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सारी सिलाई बनाएंगे। सिर्फ 5 फंदे आखिर के सीधे बनाने हैं, तो पहले मैं 5 फंदे छोड़कर सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँ। सारी सिलाई हमने बना ली, आखिर के 5 फंदे जो हैं वो हमको सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से शुरू करेंगे। पांच फंदे, एक फंदा उतार लिया पर्ल वाइज, 4 फंदे सीधे बनाएंगे।
एक, दो, तीन, चार, टोटल फंदे पांच हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच। पिछली बार हमने यहाँ पर सात फंदे सीधे बनाए थे, इस बार हम आठ फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ फंदे बनाने के बाद फिर से हम अपनी जाली पर पहुंच गए। धागा अपनी ओर करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसके बाद हमको जाली बनानी है। धागा अपनी ओर करके बाजू में पिछली बार हमने आठ फंदे बनाए थे, इस बार दस फंदे जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस फंदे बनाने के बाद फिर से हम जाली पर पहुंच गए। धागा अपनी ओर करके पहले एक जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी ओर करके बैक के फंदे बनाएंगे। पिछली बार हमने बैक में 17 फंदे बनाए थे, इस बार हमको बैक में 19 फंदे बनाने हैं। एक जाली डालते हुए मैंने बनाया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ से गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। जैसे ही 19 फंदे होते हैं हम अपनी जाली पर पहुंच जाते हैं। धागा अपनी ओर करके पहले एक जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी ओर करके बाजू बनाएंगे। बाजू में इस बार हमारे पास 10 फंदे हैं, जाली डालते हुए 10 फंदे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। 10 फंदे होने के बाद हम अपनी जाली पर पहुंच गए। जाली डालते हुए अब फिर से हमको आगे का हिस्सा बनाना है। आगे के हिस्से में हमारे 8 फंदे हैं। जाली डालते हुए एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छः, सात, आठ, पट्टी के चार पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये सिलाई हमको पिछली सिलाई की तरह ही बनानी है। पहले पट्टी के पांच फंदे सीधे, दो फंदे बना लिए, तीन, चार, पाँच। बैक में हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। सॉरी, ये सारी सिलाई हमको उल्टी उल्टी ही बनानी है। सारी सिलाई हमको उल्टी बनानी है। सिर्फ आखिर के पांच फंदे पट्टी के हमको सीधे बनाने हैं। ये जो हमने फंदा बढ़ाया था इसको हम पिछली बार की तरह उल्टा ही बनाएंगे।
तो पहले मैं यहाँ तक बना लूँ, आखिर के 5 फंदे सीधे ये सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर आगे वाली सिलाई बनाएंगे। 2 बार चाली हमने डाली है, अब हम तीसरी बार चाली डालेंगे। पट्टी के पांच फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। इस बार हमारे पास फ्रंट में 9 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हर बार फ्रंट में एक एक फंदा बढ़ेगा। जब हमने 7 फंदे लगाए यहाँ पर बनाए, एक जाली डाली, तो अगली बार हमारे पास फ्रंट में यहाँ पर 8 फंदे हो गए। 8 फंदों पर जब हमने एक जाली डाली तो इस बार हमारे पास 9 फंदे हो गए। अब जब हम जाली डालेंगे और अगली बार बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल फंदे 10 हो जाएंगे। इसी तरह हर बार एक फंदा फ्रंट में बढ़ता चला जाएगा। फ्रंट में दोनों ओर हमेशा एक एक फंदा बढ़ेगा, जबकि बाजू में, दोनों बाजू में और बैक में हर बार दो दो फंदे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 8 फंदे लगाए थे, दोनों ओर जाली डाली, तो अगली बार 10 फंदे हो गए। 10 फंदों पर जब हमने दोनों ओर जाली डाली है तो हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे हो गए। मैं आपके सामने एक बार बना देती हूँ। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 12 फंदे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे ही हमारे 12 फंदे होते हैं हम अपने जाली के स्थान पर पहुंच जाते हैं। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा और बढ़ाएंगे, बना लेंगे। अब हम बैक का हिस्सा बनाएंगे। बैक में हमने यहाँ पर 17 फंदे रखे थे और जब दोनों ओर जाली डाली तो अगली बार हमारे पास फंदे 19 हो गए। 19 फंदों पर हमने दोनों ओर जाली डाली तो इस पर हमारे पास 21 फंदे हो गए हैं। मैं आपके सामने एक बार बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए 21 फंदे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21 फंदे कंप्लीट हुए तो हम फिर से जाली पर पहुंच गए। धागा अपनी ओर करके पहले एक जाली, बैक के इस ओर का हिस्सा हमारा बाजू का है। बाजू में हमारे पास फंदे 12 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे ही 12 फंदे होते हैं हम अपनी जाली पर पहुंच जाते हैं। बाजू के इस ओर का हिस्सा हमारा फ्रंट का है। फ्रंट में हमारे पास 9 फंदे हैं, जाली डालते हुए 9 फंदे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे होने पर हम अपनी पट्टी पर पहुंच गए।
अब आप देखिए, अब हम इसकी इस ओर की सिलाई बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम इसके ऊपर लगभग 3.5 से लेकर 4 इंच लंबा बनाएंगे, जिसमें हम 14, 15 या 16 जाली डलेंगी। तो पहले मैं इतना लंबा बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चोली का हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। चोली हमने लगभग 4 इंच के करीब लंबी बनानी थी। ये मैं आपके सामने एक बार नाप देती हूँ। चार से 2 पॉइंट ऊपर है, 4.25 इंच है लगभग। और इसमें हमने 16 जाली डाली हैं। मैं एक बार आपके सामने गिन देती हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। 16 जाली डालने के बाद अब हम पहले बाजू बनाएंगे। जब भी हम टॉप से बॉटम की ओर स्वेटर बनाएं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि चोली कंप्लीट होने के बाद और घेरा शुरू होने से पहले हमको हमेशा बाजू बनानी है। अगर हमने घेरा बना लिया तो हम बाजू नहीं बना पाएंगे। उसके लिए या तो आप 4 सिलाइयों पर बनाएं, या आप राउंड वाली निटिंग नीडल्स पे बनाइए, तो भी मुश्किल बनेगी। हमेशा याद रखिए कि अब हमको इसकी बाजू बनानी है। बाजू बनाने के लिए हमने फ्रंट के फंदे उतारने के बाद, ये मैंने फ्रंट के फंदे उतारे हुए हैं, अब मैं यहाँ से बाजू के फंदे सिलाई पर डालूंगी। ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, आपको ऐसा नहीं करना। आप सिंपल बाजू पर फंदे छोड़कर इस तरीके से एक एक फंदा उठाऊंगी मैं। पहले मैं बाजू पर फंदे उठा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फंदे मैंने उठा लिए हैं, सिलाई पर डाल लिए हैं। ये मेरा फ्रंट का हिस्सा है। फ्रंट के हिस्से के साथ ये बाजू आई है। बाजू के फंदे का हिसाब पहले मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, बाजू के हमने फंदे, बाजू के फंदे 8 रखे थे। 16 जाली बाजू के दोनों ओर डली है, 32 फंदे हो गए। और दोनों ओर जाली के बीच का एक एक फंदा हम दोनों ओर की बाजू में डालेंगे। 2 फंदे इस बाजू में आएंगे, 2 फंदे उस बाजू में जाएंगे, तो ये हमारे पास 42 फंदे होने चाहिए। पहले मैं आपके सामने 42 स्टिचेस काउंट कर देती हूँ। ये फंदा जो है, दोनों ओर की जाली के बीच का फंदा हम बाजू में लेंगे, इस ओर का इस ओर ले लेंगे, और जब इस ओर की बाजू बनाएंगे तो इस ओर की बाजू में सेंटर का फंदा लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक बार 42 फंदे गिन देती हूँ। 42 का आधा 21, यानी 21 जोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21 का डबल 42। अब हम इसके ऊपर बिल्कुल एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी डालते हुए हम अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट करेंगे। बाजू हम इसके कफ वाली बनाएंगे। मैं 2 सिलाई आपके सामने शुरू करके बता देती हूँ।
एक स्लाइस सी थी। पहले ये स्लाई बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक स्लाई मैंने बना ली, अब हम दूसरी स्लाई बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं एक बाजू बना लूं, फिर दूसरी बाजू मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हमने अपनी चोली की लंबाई कंप्लीट कर ली है। मैं आपके सामने इसको नाप कर बता देती हूँ। ये देखिए, चोली की लंबाई जो है 4.25 इंच के करीब आई है। अब मैं आपको इसकी जाली गिनकर बता देती हूँ। जाली हमने इसमें 16 जाली डाली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 बार जाली डालने के बाद मैंने इसको अलग अलग सिलाई पर इसलिए फंदे दिखाए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं, ये हमारे बाजू के फंदे हैं, ये हमारे बैक के फंदे हैं, बैक के फंदों के बाद फिर से बाजू है, बाजू के फंदे हैं, फिर से फ्रंट के फंदे हैं। हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जिस ओर धागा है उस ओर के सारे फंदे हम एक सिलाई पर उतार लेंगे। इस धागे को हम काटेंगे नहीं। इस तरह से करते हुए बिना बुनते हुए पर्ल वाइज उल्टे उल्टे सारे फंदे हम एक सिलाई पर उतार लेंगे। अब हम बाजू बनाएंगे। सबसे पहले हम बाजू बनाएंगे। दोनों ओर की जाली के बीच का फंदा हम बाजू में लेंगे, इस ओर भी बाजू में लेंगे और इस ओर का भी हम बाजू में ही लेंगे। बाजू में हमको बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक स्लाइस सी थी और एक सिलाई उल्टी डालते हुए इसी पहले फंदे से हम बनाएंगे। ये फंदा हमारा बाद में सिलाई में चला जाएगा। एक सिलाई सी थी, एक सिलाई पहले मैं ये सिलाई सीधी बना लूं, फिर मैं आपको दूसरी सिलाई दिखाती हूं। ये देखिए, ये हमारी सिलाई का पहली सिलाई है और जाली के साथ का फंदा हमने सीधा बना लिया। यहां पर इसके बाद अब हम ये सिलाई उल्टी बनाएंगे। एक सिलाई सी थी और एक सिलाई पहले मैं उल्टी बना लूं, फिर मैं आपको इसके ऊपर बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सिलाई सी थी और एक सिलाई उल्टी। बाजू की लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। बाजू की लंबाई अभी 5.5 इंच के करीब है। इसके ऊपर अब हम कफ बनाएंगे। कफ बनाने के लिए हम कैसे कफ बनाएंगे? पहले हम
पांच फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। पांच फंदे बनाने के बाद दो फंदों का एक फंदा इकट्ठा सीधा बनाएंगे, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। ये देखिए, ये पांच फंदे पहले थे, ये एक किया, उसके बाद हमने आठ फंदे बनाए, दो चार छः आठ। फिर से हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से आठ फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये देखिए, ये दो फंदों का एक फंदा किया था, फिर से आठ फंदे बनाए, एक दो तीन चार, और दो फंदों का हम एक फंदा करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सारे के सारे बाजू कंप्लीट करेंगे और हम आखिर में देखेंगे कि हमारे पास फंदे बंद करने के बाद पांच फंदे ही बचेंगे। ये देखिए, ये दो फंदों का एक किया, आठ फंदे फिर से बनाए, दो चार छः आठ, दो फंदों का हमने एक फंदा किया, आखिर में फिर से हमारे पास पांच फंदे हो गए। इसके ऊपर अब हम पांच सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, पहले हम पांच सिलाई बनाएंगे फिर हम बंद करेंगे, तो पहले मैं पांच सिलाई सीधी सीधी बना लूं। बाजू का हमने कफ बना लिया है जिसमें तीन सरी बनी है, एक दो तीन, छह सिलाई हमने सीधी डाली थी जिससे तीन सरी बनी है। अब हम सारे के सारे फंदे बंद करेंगे, एक फंदा बनाकर पीछे का फंदा पलट देंगे। इसी तरह से बंद करते हुए हम अपने पहले सारे फंदे बंद कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सारे फंदे हमने बंद कर लिए, धागे को मैंने काट दिया है और इसको हम निकाल देंगे। अब हम इसी धागे से इसकी सिलाई करेंगे, धागा मैंने इसीलिए लंबा काटा था। सिलाई कैसे करेंगे, पहले हम उल्टी साइड आमने सामने रखेंगे, ऐसे बाहर की तरफ उल्टी, सीधी साइड अंदर। फिर इसको सीधा कर लेंगे और सुई को हम ऊपर ले आएंगे। अब हमारी ये सीधी साइड बाहर आ गई है, अब हम सीधी साइड आमने सामने रखकर सिलेंगे। दो धागे हम एक ओर से लेंगे और दो धागे हम एक ओर से लेंगे। हर बार दो धागे एक ओर से लेंगे और दो धागे हम एक ओर से लेंगे और इसी तरह से सिलते हुए हम ये अपनी सारी की सारी बाजू की सिलाई करेंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने दोनों बाजू बनाकर साथ के साथ ही सिल ली हैं। अब हम इसके बाद
चोली बनाएंगे, सॉरी नीचे का हिस्सा बनाएंगे, घेरे का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए हम घेरा बनाना। अब हम जब घेरा बनाएंगे तो सारे के सारे फंदे हमको इस तरह सिलाई पर मुंह होना चाहिए। शुरू कैसे करेंगे? ये धागा हमने इसीलिए नहीं काटा था, इसी से हम अपना घेरा बनाना शुरू करेंगे। शुरुआत हम इसी तरीके से करेंगे, पहला फंदा उतार कर आगे वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। पांच फंदे हमारे पट्टी के थे, पांच फंदे हमारे पट्टी के हैं, वो हमने बना लिए। जब हम पट्टी की साइड बनाएंगे तो हर बार ध्यान रखेंगे 24 सलाई बनाने के बाद, 12 सरी बनने के बाद हम एक बटन होल भी साथ साथ बनाएंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर मैंने बनाया। अब जब फिर से 12 सरी बन जाएंगी तो हम यहाँ पर फिर से एक बटन होल बनाएंगे। बटन होल मैंने आपको बनाना बताया था। ये जो हम इसके ऊपर डिज़ाइन डाल रहे हैं, ये 10 फंदों का डिज़ाइन है, 10 फंदों का डिज़ाइन है। और बनाएंगे कैसे? इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले हमको एक बार एक सिलाई सी थी और एक सिलाई हमको उल्टी डालनी है। तो पहले मैं आपके सामने ये सिलाई एक डाल लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। फ्रंट की एक सिलाई मैंने बना ली है। हमने यहाँ पर फ्रंट पे फंदे लगाए थे जब हमने शुरू किया था। फ्रंट के साइड के हमने फंदे लगाए थे 7, आगे के हिस्से के हमारे 7 फंदे थे। 16 बार हमने जाली डाली है तो फंदे हमारे पास 23 होने चाहिए। मैं आपके सामने एक बार गिन देती हूँ। ये देखिए, ये इधर 5 फंदे हमारे पट्टी के हैं, 23 फंदे होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 2 22 और 1 23। अब हमको पीछे का हिस्सा बनाना है। फ्रंट बैक और फ्रंट को इकट्ठा करेंगे तो हमारी घेरे का हिस्सा बनेगा। अब देखिए, पीछे के हिस्सा, पीछे का जो हमारा हिस्सा है, बैक पोर्शन है, उसमें हमने 17 फंदे लगाए थे। वो जाली डली है 32, 16 का डबल, 16 जाली एक तरफ डली थी, 16 जाली एक तरफ डली 32, यानी 49 स्टिचेस। पहले मैं आपके सामने बैक के 49 स्टिचेस एक बार गिन देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 का डबल 48 और 1 49, 49 पूरे हो गए। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई हमको सीधी ही डालनी है। ये धागा एक बार हम खूब खींच के बनाएंगे ताकि हमारी जाली ना बने। ये सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। पहले मैं ये सिलाई सीधी बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। बैक की सिलाई सारी सीधी बनाने के बाद अब हम फिर से फ्रंट की साइड साथ में जोड़ेंगे। फ्रंट में हमारे पास इस ओर भी 23 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 का डबल 22 और 1 23। फंदे हमारे बिल्कुल बराबर आए हैं।
ये सिलाई हमको सीधी सीधी बनानी है, पहले मैं ये सिलाई बना लूँ और वापसी की सिलाई सारी की सारी उल्टी बनानी है तो पहले मैं ये दो सिलाई बना लूँ। दो सिलाई हमने बना ली है, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। ये हमारे डिज़ाइन की दो सिलाइयाँ थी। ये देखिए डिज़ाइन हमारा जो है, डिज़ाइन जो है 10 × 5 फंदों का सेट है, 10 फंदों का सेट है, 5 फंदे ज़्यादा लेंगे। और ये 20 सिलाई का डिज़ाइन है, 20 रो कंप्लीट होने पर डिज़ाइन कंप्लीट होगा। सिलाई नंबर 1 हमको सारी सीधी बनानी है और सिलाई नंबर 2 हमको सारी उल्टी बनानी है। सिलाई नंबर 3, 5, 7 और 9 बिल्कुल एक जैसी है, जैसे हम सिलाई नंबर 3 बनाएंगे वैसी 5, वैसी 7 और वैसी 9। सिलाई नंबर 4, 6, 8 और 10 बिल्कुल एक जैसी है। सिलाई नंबर 11 सारी की सारी हमको सीधी बनानी है और जो सिलाई नंबर 12 है, रो नंबर 12 है, वो हमको सारी उल्टी बनानी है। और जो रो नंबर 13 है, 13, 15, 17, 19 वो चारों सिलाई एक जैसी बनेगी। और रो नंबर 14, 16, 18 और 22 बिल्कुल एक जैसी बनेगी। तो अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन की हमने 1 और 2 नंबर सिलाई बना ली है, अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। हर बार पट्टी के फंदे 5 दोनों ओर से। डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू होता है, एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा पर्ल वाइज उतार लेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फंदे 3 हो गए, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और एक फंदा हम उल्टा पर्ल वाइज उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर फंदे हो गए 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 जी 5 फंदे सीधे। यहाँ से डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे जैसे हमने इधर से शुरू किया था, 10 फंदे हो गए। अब डिज़ाइन रिपीट करेंगे, एक पर्ल वाइज एक फंदा उतारा, एक फंदा सीधा बना लिया, फिर से धागा अपनी ओर करके पर्ल वाइज एक फंदा उतारेंगे, उल्टा फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमारे फंदे 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 फिर से 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे ही हमारे 10 फंदे हो जाएंगे हम अपने डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे और इसी तरह से रिपीट करते हुए हम अपनी सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। आखिर में हमारे 5 फंदे बच गए, 10-10 का हमने सेट बना लिया। यहाँ पर भी हम अपने डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। जैसे हमारा डिज़ाइन आ रहा है बिल्कुल वैसे। पांच फंदे बनाने के बाद पट्टी के फंदे आ गए। जब हमने इस ओर डिज़ाइन बनाया है सीधी ओर, तो 2 फंदों के ऊपर धागा लपेटा गया है। जब रॉन्ग साइड बनाएंगे तो 3 फंदों के ऊपर धागा लपेटेगा।
5 फंदे बनाने के बाद अब हम डिज़ाइन अपना फिर से शुरू करेंगे। कैसे? धागा अपनी ओर किया, इस जिस जो सिंगल धागा है, सिंगल फंदा है जिसके ऊपर कोई धागा नहीं लपेटा, इसको पर्ल वाइज उतार लेंगे। और जिस फंदे के ऊपर धागा लपेटा है, धागे को और फंदे को दोनों को इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। चार फंदे हो गए, ये पांच फंदा उतारा, पांचवा फंदा उतारा, और बुनते हुए हम अपने डिज़ाइन के आगे वाले पांच फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए, ये पांच फंदे और फिर आगे के पांच फंदे, 10 फंदे हो गए, डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पांच फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से बार बार रिपीट करते हुए हम अपने सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे और आखिर के पांच फंदे मैं आपके सामने बनाऊंगी। डिज़ाइन के पांच फंदे रह गए। इस फंदे के ऊपर धागा लपेटते हुए हम अपनी पट्टी के पांच फंदे सीधे गिनेंगे। ये धागा लपेटा, 1, 2, 3, 4, 5। डिजाइन की हमने चार सिलाई बना ली है, अब हमको डिजाइन की पांचवी सिलाई बनानी है। जो हमारे डिज़ाइन की पांचवी सिलाई है वो हमारे डिज़ाइन नंबर रो नंबर 3 की तरह है। ये पट्टी के पांच फंदे, अब हम 10 फंदों का डिज़ाइन बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, एक फंदा पर्ल वाइज उतारा, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे हो गए। धागा अपनी ओर करके एक फंदा पर्ल वाइज, एक फंदा सीधा, 5 फंदे हो गए। 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से रिपीट करते हुए हम अपनी ये सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे और वापसी मैं आपके सामने बनाऊंगी। अब हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 6 बनाएंगे, रॉन्ग साइड पर है। 5 फंदे पहले डिज़ाइन वाले, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 फंदे सीधे इसके ऊपर धागा लपेटते हुए, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले की तरह फिर से रिपीट करते हुए हम अपनी सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। डिज़ाइन की हमने 6 सिलाई बना ली है, अब हम 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे नंबर रो नंबर 3, 4, 5 और 6 बनाई थी। फिर उसके ऊपर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, यानी रो नंबर 11 और 12 बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ।
एक बार हमने अपने डिज़ाइन की 10 सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हम 11वीं सिलाई बनाएंगे। 11वीं सिलाई हमको सारी सीधी सीधी ही बनानी है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी 11वीं सिलाई सारी सीधी सीधी बनाएंगे और 12वीं सिलाई हम सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे, रॉन्ग साइड बिल्कुल उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर रो नंबर 13 यानी 13वीं सिलाई बनाएंगे। तो पहले मैं 11 और 12 नंबर सिलाई कंप्लीट कर लूँ। 12 नंबर सिलाई तक हमने अपना डिज़ाइन बना लिया है, अब हम रो नंबर 13 सिलाई नंबर 13 डालेंगे। पहले हम 5 फंदे सिलाई पट्टी के बना लें। पांच फंदे पट्टी के बनाने के बाद 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से फिर से डिज़ाइन शुरू होगा। ये हमारा डिज़ाइन का फंदा नंबर 6 है। 5 फंदे सीधे, अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे सीधे, 5 फंदों पर डिज़ाइन, फिर से 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से डिज़ाइन, 1, 2, 3, 4, 5। 2 बार हमने डिज़ाइन बना लिया 10-10 फंदे करके। इसी तरह से बनाते हुए हम ये सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। आखिर के 5 फंदे मैं आपके सामने बनाऊंगी। डिज़ाइन बनाने के बाद 10 फंदे हो गए, आखिर के 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 फंदे पट्टी के, 20 और के पहले 5 फंदे हम पट्टी के बनाएंगे। पांच फंदे पट्टी के बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। पहले 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 फंदों पे हमको डिज़ाइन डालना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम अपने डिज़ाइन की 15वीं रो बनाएंगे। 15वीं रो बिल्कुल 13 रो की तरह ही है। 5 फंदे सीधे, एक
दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे डिज़ाइन के, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर से पाँच फंदे सीधे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम रो नंबर 16 बना रहे हैं। पट्टी के पांच फंदे बनाने के बाद पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे डिज़ाइन के, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसी तरह से बनाते हुए हम दो बार डिज़ाइन और डालेंगे। अपनी रो नंबर 17, 18, 19, 20 बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 17, 18, 19 और 20 बना लूं। एक बार हमने अपना डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरे 20 सिलाई बना ली है। 20 सिलाई बनाने के बाद अब हम फिर से रो नंबर 1 से शुरू करेंगे, और रो नंबर 1 हमको सारी सीधी सीधी बनानी है, और रो नंबर 2 सारी की सारी हम उल्टी बनाएंगे। ये सीधे में ये दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे, और इसके बाद जब हम रो नंबर 2 बनाएंगे तो हम सारी की सारी उल्टी बनाएंगे, और इसके बाद फिर हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। इस डिज़ाइन हमने इस तरीके से सेट किया है कि अगर इस तरह का डिज़ाइन आता है तो इस तरफ भी इसी तरह का डिज़ाइन आता है। अगर इस तरफ सीधे सीधे फंदे आ रहे हैं तो इस ओर भी सीधे सीधे फंदे आ रहे हैं। इतनी ही बात से स्वेटर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम इसके ऊपर अपनी स्वेटर की लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। स्वेटर बनकर पूरा तैयार हो गया है। यहाँ से हमने डिज़ाइन शुरू किया था, 20 सिलाई का डिज़ाइन था, 20, 20, 40 और 20, 60 सिलाई डालने के बाद फिर 10 सिलाई हमने और डाली, 70 सिलाई, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी डालने के बाद हमने जैसे गले में बॉर्डर बनाया था 8 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी डाली हैं, और उसके बाद जैसे हमने बाजू में फंदे बंद किए थे उसी तरह से सारे फंदे बंद करते हुए हमने अपने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। स्वेटर की लंबाई मैं नाप देती हूँ। घेरे की लंबाई 7 इंच है। अगर हम इसको ऊपर से नापते हैं, अगर यहाँ से नापते हैं तो इसकी लंबाई 10.5 इंच आती है, और अगर यहाँ से नापेंगे तो इसकी लंबाई 11.5 इंच आती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।